अब दिल्ली में फोन आवे तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, मैं क्यों खुराड़ा करो, क्यों मैं जिन काम का निकले हो ना वो काम जब तक सिद्ध नहीं वेला अपन रुकने वाला कौन है। गाय को जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे ओम डिगड़ना रुकने वाला नहीं है। बस आवाज दिल्ली तो कल बोगी, बस हमारा एक ही उद्देश्य गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दो आप डब जाओ, खुला हम डब जाओ, बाकी कौन डबा चाहे लॉकडाउन लगो चाहे लॉकडाउन ना बाजी लगो, ये पड़काती भी पड़ी। क्यों हाल तो नौ मुकदमा भी है, 101 निवेदित डबू थोड़ो खुराला करना को जरूर मेरे घंटा घर पीछे पाउटा पीछे थे हमारा हाथ नहीं आनी आरती है मकान घर जाता रहो एक लाइन छोड़ दो, एक बार हाथ खड़ा करो देखा कौन कौन हाथ नहीं है। धन्यवाद मीन घावचे तो कल डा हाँ आशा हम जी हल्लो पड़े लो हाँ हाथ ऊंचा कलडा करिया होगा डोगरा फेरी देने पड़े ला हाँ धन्यवाद है। और जागरण एक शाम गौ माता के नाम तो अपन विचार करना कि वो बोट लगा गायन और जागरण दिराने को कारण का है। यार मैं तो विचार कर लियो अब हमारे हाथ आते थाने भी विचार करना हो क्योंकि ते मन में सोचो ला के मंच मत बैठा यार मोटा मोटा साउंड लगेड़ा लाखा की मजूरी करवाना आया नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ही राजस्थान में अलग जगा रही हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी गौ माता के लिए गाऊं, तब तक जिंदा हूं तब तक मेरी गौ माता को बचाऊं। मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, अरे मैं बचूं ना बचूं मेरी गौ माता बचनी चाहिए। ये प्रण लेके निकला हूं घर से क्योंकि मैं तो जहां भी जाता हूं खुलेआम बोलता हूं सूरज के भारत की संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, अरे भारतीय मंदिर मस्जिदों को कभी गुमनाम बदनाम नहीं होने देंगे जब तक शरीर में सांस है मेरी गौ माता को कभी मरने नहीं देंगे। ये हमारा नियम है प्रण है। और मेरे साथ में मेरे बहुत ही अजीज घनिष्ठ इकबाल भाई हैं, भाई साहब एक बार खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करा, जिन्होंने आज से ठीक एक महीने पहले मुझे यूट्यूब पर सुना और इनके मन में एक साथ जज्बा जग गया कि छोटा भाई ये गायों के लिए इतना कर रहा है, आप तो काफी टाइम से कर रहे हैं लेकिन आपने जब से सुना है तो सबसे पहले इन्होंने एक ही काम किया इकबाल भाई सौदा कर रहे हैं, सबसे पहले जाके अयोध्या राम मंदिर में 51,786 रुपए की रसीद कटाई। इन्होंने एक ही प्रण लिया कि मेरा जन्म भारत में हुआ है तो आप कौन होते हैं मंदिर और मस्जिद को बांटने वाले, इस उद्देश्य को लेकर इन्होंने 51,786 अयोध्या में भेजें ताकि मेरी संतान भी कहे कि मेरे पापा ने इस नींव में एक पत्थर लगाया छोटा सा। ये नियम होना चाहिए साहब, हिंदू मुस्लिम सब आप एक हैं, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, बस एक पीछे कोई बिचौलिया जगह ऐसा समझ तत्व है मैं खाली तूड़ियां लगा रिया खुद तूड़ी लगा रहा। बाकी ये मुल्क जिसको भारत में रहने का अधिकार है उसको गौ माता को मां कहने का भी अधिकार है। मेरा तो नियम है कि जब तक जिंदा हूं तब तक गायों के लिए गाऊं, और पहले मेरा टारगेट था साल में 1 करोड़ का लेकिन अब मैंने टारगेट बदला महीने में 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपए महीने में गागा के इकट्ठा करूं और हर राजस्थान की हिंदुस्तान की गौशालाओं में भेजूं। अभी शैलराम जी सारण साहब मेरे साथ में थे मियासनी गांव, मियासनी बीड़ावा छोटे छोटे गांव है लूणी तहसील में अबीरामी बिलाड़ा का लास्ट बॉर्डर लूणी का लास्ट बॉर्डर। एक रात में गौदान की राशि आई 1,26,00,000 रुपए एक रात में, साहब मेरे साथ में थे ऐसे ऐसे गौ भक्त इस धरती पर बैठे हैं। 5 लाख की ओड़ी साहब की थी, साहब ने शुरुआत की बौनी छोकी करी जन बजा आनंद आनंद लगो पहलो पड़को साहब रोज बढ़ियो लूणी में, बोले साहब छोटी सी गौ माता रोड़ी 5 लाख रुपया रामनगर शरण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे दातार पुरुष धरती पर है तो माने भी बड़ो जोश है कि एड़ा गौ भक्त मारे हाथ जुड़ियोड़ा है जना माने पे डरबा की जरूरत है ना। आज एक और गौ भक्त अपने बीच में जुड़ गया श्रीमान कृष्णा नाम जी विष्णु साहब, काफी लंबे समय में साहब मैंने इंतजार हो क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं थकोड़ो हूं तो लोगों ने हंसाऊ ताकि मारो खून बदे, यानी खून बदनो आदमी रो शरीर बढ़िया करे, आदमी रो कहीं बदे खून बदे। इन वास्ते आदमी ने दिन में 3-4 बार एकलो रहे तो ही हंस लेना चाहिए गाड़ी घोड़ा में पड़न, दूसरे ने तो घर में जाए खूना में पड़न एकलो ही घर का मुझे कहीं यो नहीं जा मैं तो फेरी दे जाऊँ। हंसना आदमी रो ब्लड बदया करे, आदमी ने हस्तोड़ा रो मुंडो लगे गुलाब रो फूल भेजो हरनी हंसे जगह मुंडा देख लो गोभी रो फूल भेजो बाने राय का बाग मंडी में नहीं ले गए
हंसनो बहुत बड़ी कला। गवर्नमेंट भी चैनल चलावे कि मिनकन ज्यादा ज्यादा टीवी माते हंसाओ और हंसिया बच्चा बच्चावा जीव ले सका कोई आदमी को, आदमी ने राजी कर कुछ भी ले सका। टाबर वे ना टाबर जेठ को महीनों में कतो तावड़ो पड़े बीर खाक में गिलगिली अल्लाह ने आवा तावड़ा में मिराजरी पूरी मंगा सका। क्यों वो राजी भी जा रहा है बेटो हम जो करो दे दे मारो बेटो दसी मेरिट में आई गिलगिली अल्लाह तो दौड़ी उड़ जाए पड़े तो पांची में वो तावड़ा में जा रहा पूरी ले रहा है यार लपट ठोकर पानी लोटो नहीं मंगा सका। वो वैसे की मटकी पाटो ठोकर फोड़ी पीती जा फिर भीरे खाक में भांडो लेडो गजबण पानी ने साली। हाँ इस वास्ते आदमी ने हंसनो बहुत बड़ी कला है। नहीं मारे कुटुंब कबीलो, नहीं मारे परिवार, अभी तो शुरुआत है, रात पूरी लंबी चौड़ी पड़ी है यार। आज मने विश्वास है विदेश जा भी काशा टाइम दे यार कि दो तीन हाजरिया बाकी रही ओड़ी है साहब तो कहे मैं तो जयपुर जाऊं जी तो यार मार्ग में थानी थाने होनो। देख लो बहुत बड़ी मार वास्ते बहुत बड़ी कृपा साहब जयपुर जावे तो पड़का अपने पड़े मार्ग में थे जालारी चौकी तो साहब होना है। हाँ ये हरुआत है, हरुआत अभी बहुत सागर ऊंडो गणो किन भी दूतरों पार अरे निंगे करूं तो इन मने निजर नहीं आवे बहु सागर की दार एक भरोसे था के चाले सदगुरु मारी ना हो। और बहु सागर दरियाव है आज पुनासर खुर्द का ये दरियाव जिसमें हजार कोश लोग अपनो अमूल्य समय निकाल कर पदारिया सदनों यही तो दरियाव है। बाकी दरियाव आ थोड़ी नाडी में पड़ पाचो बाहर निकले भी निकल तिरणो ना सत्संग में जाए कुछ नई चीज लेके आए तब तो है हमारा जाना सफल। यार सत्संग में गिय जीव पाचा घर चले गया तो आनो विफल। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं भेजा तो मजदार अरे मैंने ऐसे सदगुरु रामानंद मिल गया मारा बेड़ा कर दिया पार एक भरोसे था के चाले सदगुरु मारी नाम। एड़ा महापुरुष कोई संत गुरु मिल जावे तो अपारो बेड़ो पार वे। इस सत्संग में आया यदि मन नहीं मरियो ना अपनो मन नहीं मरियो तो सजनो आनो बेकार है। क्योंकि खड़ा जगह मन में विचार आ रही हो बेटा बैठा नहीं बैठा कहीं तो कपड़ा खराब हो जाला सुबह लुगाया कहला रात कटे जार बैठा है ए लारू पल्ला भर लाया। जो खड़े उनको विचार होगा कि मेरे कपड़ों की फ्रेश बड़ी अजीब होगी। जो खड़े है ना उनको विचार होगा कि मेरी कपड़ों की फ्रेश उस्तरी बड़ी अजीब होगी। लेकिन ये ओम डिगना का वादा है नीचे बैठ जाओगे तो ये गौ माता की रेत आपके कपड़ों को नसीब होगी। बैठ के देखिएगा एक बार बहुत आनंद आएगा। जो गेट पे खड़े उनसे भी मेरा निवेदन है सुनाई दे दिया तो बैठ जाए या नहीं सुनाई दिया तो प्लीज रातानाडा में जाके कानों का इलाज कराए। मारा पड़ोसी हाथ पकड़ को भाई साहब बैठ जाओ फॉर्मेलिटी मत करो ना जागरण में क्योंकि आप खड़े हो ज्यादा मैंने कोई मातारी गिनती नहीं करानी 5000 मिनक वेदन हूं हल्ला गाऊ मारे तो हूं नालो छो को एक वेना तो ये पड़का तो यही पड़े आ कोनी गेदरी हली वेद हूं हल्ला गाऊ हकरा गाऊ छोका गाऊ कोई जरूर लोग मारी आवाज उड़ने मात नहीं आवे।